स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपने टाइटल देख लिया होगा, तो मेरा मेन जो कहने का मतलब था ये इसके लिए था, 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, न्यू एग्जामिनेशंस, कौन कौन से बैच 2020 में जिनका एडमिशन हुआ है इनका फर्स्ट ईयर, और जिनका एडमिशन 2019 में हुआ है इनका सेकेंड ईयर। तो ये तो बड़ी पुरानी बात हो गई, आपको कई बार पता चल चुका होगा, लेकिन 13 दिसंबर एक काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है। उसके अलावा बात करें नेक्स्ट पेज की, तो यहाँ पर आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक डेट है, 20 दिसंबर, ठीक है, 20 दिसंबर। 13 दिसंबर से क्या था, आपका ड्राइंग प्रैक्टिकल था, लेकिन 20 दिसंबर से ऑनलाइन परीक्षाएं यानी CBT एग्ज़ाम्स होंगे। कौन से सब्जेक्ट के, जैसे आपके थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल, ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं इस सब चीज़ों के लिए, ठीक है, तैयारी के लिए क्या करना है आपको, वो तो चीज़ें मैं बताता हूँ। अब एक्चुअल में अगर आपको युद्ध लड़ना है, ठीक है, बॉर्डर पर जा रहे हो, तो आपके पास हथियार होने चाहिए ना। तो फिलहाल इस एग्ज़ाम को भी आप वही समझ के लीजिए, एक आपका युद्ध है, एक लड़ाई है, लड़ने जाना है, ठीक है। और इस बार क्या था, पिछले बार कई बार क्या होता है, कुछ छोटी लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें छोटे छोटे जो भाला हथियार तलवार से भी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, लेकिन ईंट पत्थर से भी काम चल जाता है, लेकिन कुछ बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं जिसके लिए आपको बंदूक, गन और ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसी तरह से जो अब एग्ज़ाम्स होने हैं इन फ्यूचर्स, यानी अब जो नए एग्ज़ाम्स होंगे ऑनलाइन, वो पिछले वाले से ज़्यादा टिपिकल होंगे। उसके पीछे रीज़न है, जो नए लेटर्स आए थे इसमें बहुत सब चीज़ें थी, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, मैं उसको दोबारा नहीं बताऊँगा। टिपिकल है क्योंकि पीछे जो थे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे थे बार बार, एक ही क्वेश्चन आप बार बार कर ले रहे थे, और प्लस कुछ लिमिटेड क्वेश्चन थे 50-100, उसी में से बार बार पूछ दे रहा था। तो 50-100 का दायरा जो है बढ़ेगा, अब आपको 500 क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ना तो आसान है, और ज़्यादातर बच्चे PDF पर फोकस करते हैं कि PDF डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड कर लो, PDF डाउनलोड कर लो, और हम PDF देते भी हैं धनाधन आपको। आपको भी PDF चाहिए तो चले जाइए अभी ग्लोबल ITI की वेबसाइट पे, globalITI.org, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको PDF, भाई जिस सब्जेक्ट का चाहिए जाके डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन PDF डाउनलोड करने से क्वेश्चन हमारे सामने होता है, आंसर हमारे सामने होता है, तो हमें लगता है कि हमें याद हो गया है, तैयार हो गया है, लेकिन एक्चुअल में वो सही से तैयार नहीं होता है। सही से तैयार आपका तभी होगा जब आप टेस्ट देंगे, और ऐसा टेस्ट जो चलता हो, जो ऑनलाइन चलता हो, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन खुल रहा है तो उसका एक ही आंसर खुल रहा है। ऐसा टेस्ट होना चाहिए कि जब एक कोई क्वेश्चन खुल रहा है तो एक बार उसका आंसर ए रहे, और अगली बार जब उसी क्वेश्चन को दोबारा आप खुलो तो ये सर्कुलेट होके बी हो जाए। तो असली प्रैक्टिस आपको किससे करनी पड़ेगी, टेस्ट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए, ठीक है, और इसके लिए हमने कोर्सेज बना रखे हैं ग्लोबल ITI ऐप पर। हालांकि कुछ लोग तो पहले तो यही कहेंगे कि ये अपने फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं अपने फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका इसमें कितना फ़ायदा है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, क्योंकि बड़े अलग अलग सोच के अलग अलग धारणा वाले लोग होते हैं, तो अलग वालों को छोड़ दूँ, कुछ पढ़ने वाले भी होते हैं, तो पढ़ने वाले प्रजाति से मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, कि आप लोग करो क्या, ठीक है। YouTube पर तो हम आपको प्रैक्टिस वीडियोज MCQs सॉल्व करवाते रहते हैं लगातार हर सब्जेक्ट के, तो वहाँ से तो आपको पढ़ना है, वो भी मैं आगे बताऊँगा, वीडियो पूरा देखना, ठीक है, YouTube से कैसे पढ़ सकते हैं वो भी आपको मैं बताऊँगा। उसके अलावा ग्लोबल ITI ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा, मुझे पता है कि लगभग जो लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें से 90% लोग डाउनलोड कर रखे होंगे, जो नहीं डाउनलोड किए हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पर क्या है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको नीचे की साइड में एक स्टोर ऑप्शन दिखेगा, सबसे नीचे जब डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करते समय पूछेगा कि आप स्टूडेंट हैं कि पेरेंट हैं, तो भाई साहब आप स्टूडेंट पर सेलेक्ट करिएगा, बहुत लोग पेरेंट बनने लगते हैं, पेरेंट सेलेक्ट कर लोगे आपको कोई कोर्स नहीं मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं शो करेगा, फिर आप सोचोगे अरे तो बेकार ऐप है ना, तो इसको रहने देते हैं। चलिए अब इसको मैं क्यों कह रहा हूँ आपको, इसको डाउनलोड करने के लिए स्टोर ऑप्शन पर जाइए, स्टोर ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का कंप्लीट मिलता है थ्योरी, ठीक है, इसी तरह से फिटर का मिलता है, या फिर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर, इस तरह से अलग अलग कोर्सेज होंगे। मान लेते हैं आप इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के ऊपर क्लिक करेंगे, जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो पेज आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा, और नीचे जो है
परचेज करने को, ज्वाइन करने को कहेगा। और इस कोर्स के अंदर क्या है और कैसे मदद करेगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। इसको ज्वाइन करने के लिए कहेगा तो ज्वाइन करने से पहले ऊपर एक ऑप्शन देखेंगे कंटेंट का दिखाएगा। कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस कोर्स के अंदर आखिर है क्या। तो इस पर जैसे ही कंटेंट पर क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन होगा। इस कोर्स में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज वीडियो क्लासेस, किसकी, थ्योरी की, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। उसके बाद मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का और इसमें होंगे आपके 500 प्रश्न, 500 क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ मिलेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन का, ठीक है, और इसमें 25 टेस्ट हैं, यहाँ पर आपको 250 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मिलेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 20 टेस्ट और इसमें होंगे आपके 200 प्रश्न, ठीक है। ये चीज़ें मिलेंगी और थ्योरी तो उनके लिए है कि जो कभी क्लास नहीं किए हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं, बुक आपके सामने है, आगे भी कंपटीशन की तैयारी करना है या ITI करके कुछ करना है तो थ्योरी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में प्रैक्टिस करने के लिए मैं जो टेस्ट की बात कर रहा था ये वही टेस्ट हैं। इस टेस्ट को आप लगातार दीजिए, ठीक है। इस टेस्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह से ओपन होगा। देखिए यहाँ पर है ना इलेक्ट्रीशियन टेस्ट Set 1, Set 2, Set 3। लेकिन सबसे खास बात क्या है यहाँ पर, ये अनलिमिटेड है, ये जो अटेम्प्ट है अनलिमिटेड है। बहुत सी जगहों पर आपको क्या होता है, टेस्ट आप एक बार देते हैं तो उसके बाद दूसरे बार आपको मौका नहीं मिलता है। इवन आप पैसा दिए हैं, फीस दिए हैं, उसके बाद भी, या फिर 2 से 3 बार अलाउड होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप तब तक टेस्ट दो जब तक कि 100 में से 100 सही नहीं कर रहे हो। मतलब अगर 25 क्वेश्चन है तो आपका जब तक आप तब तक टेस्ट दो जब में 100 में से 100 नंबर आपके सही ना हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सुविधा मिलेगी, ये तीनों सब्जेक्ट जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होने हैं इनके यहाँ पर टेस्ट उपलब्ध हैं। और टेस्ट को लगातार दो, जो कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो आपको लगातार टेस्ट देना है और इतनी बार दो कि एक भी क्वेश्चन जब आपका गलत ना हो तब समझ लेना कि आपकी तैयारी क्या हो गई, आपकी तैयारी 100% हो गई, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने बताया और बनाया क्योंकि बहुत से बच्चे हैं, पता तो है कि यार ऐप है लेकिन बेकार ऐप है, ये तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इससे फ़ायदा क्या हो सकता है ये बहुत कम लोगों को पता है। और मैं लगातार 10-20 दिनों पर एक बार ये चीज़ बता भी देता हूँ कि भाई इसको क्या करना है। तो जो लोग सीरियस हैं वो लोग तो ज़रूर कोर्सेज आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। थोड़ी अब मानता हूँ यार 500-600 रुपये तो ले रहा हूँ आपसे। कुछ लोग कह रहे हैं लूट रहे हैं, ठीक है यार एक बार लूट जाओ ना, कहते हैं ना प्यार मोहब्बत में तो लूट जाते हो, एक बार पढ़ाई में नहीं लूट सकते, एक बार लूट जाओ, लूट के देखो मज़ा आता है, ठीक है, वहाँ भी यहाँ भी, समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर यार आप 20,000, 30,000, 40,000 की ITI तो कर सकते हो तो 500 रुपये दीजिए ना, 500-600 रुपये यहाँ पर दीजिए और अच्छी तैयारी करोगे, यहाँ से अच्छी तैयारी करोगे। और जो 30-40 हज़ार वाली ITI है उसका सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब ये आप तैयारी कर लोगे, क्योंकि आपको पता है एग्जामिनेशन कैसे हुए हैं। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है, जब रिजल्ट आ जाएगा तो और भी स्थिति आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बच्चा फेल हो, और आप अगर चाहते हैं अंदर से कि मैं फेल हो जाऊँ तब तो भाई आपको कोई नहीं रोक सकता, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी चाहते हो कि मैं पास हो जाऊँ तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो ये है कि भाई यहाँ से सभी सब्जेक्ट के टेस्ट मिल गए, लेकिन अब शुरुआत की बात होगी कि सबसे पहले एग्जामिनेशन कैसे होगा। चलो इसको हम बंद करते हैं। सबसे पहले जो एग्ज़ाम है आपका, चलिए एक पेज और ले लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं नया हूँ मुझे टाइम लगता है सेलेक्ट वेलेक्ट करने में। चलिए अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम, तो सबसे पहले आपको पता है कि एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, ठीक है। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा सबसे पहले और उसके साथ में ही प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल जो होता है इसको कोई पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल यार, प्रैक्टिकल कोई थ्योरी नहीं है, इसीलिए इसका कोई कोर्स नहीं बना सकता कि हम प्रैक्टिकल का कोई कोर्स बना दे। लेकिन प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखना है, ठीक है, इसका वायबा कैसे देना है, ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे लिखें कि पास हो जाएं, ये सब जानकारी गाइडलाइन आपको ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर पहले से ही दी गई हैं। सिर्फ आपको टाइप क्या करना होगा, टाइप करना होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ग्लोबल ITI, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉपी
ग्लोबल आईटीआई, इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉपी ग्लोबल आईटीआई, ऐसे करके यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे, अंदाजा लग जाएगा इनकी कॉपी कैसे होती है, कैसे लिखा जाता है, ड्राइंग कॉपी कैसे आती है, ये सारी गाइडलाइंस आपको पहले से बताई गई हैं, सब मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो फर्स्ट ईयर में जितनी भी इंजीनियरिंग ट्रेड्स होती हैं सबका जो पेपर है सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। स्टेट वाइज अलग अलग थोड़ा बहुत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो सेम है सिलेबस जो है वो आपका फर्स्ट ईयर में सेम होता है। यानी फर्स्ट ईयर में आप किसी भी ट्रेड से हैं आपको एक ही इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़नी है। और ग्लोबल आईटीआई अभी मैं खोल ओपन करके भी दिखाऊंगा, हमने प्लेलिस्ट में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई है जितना आपको पढ़ाया है हमने वही पढ़ाया है जिससे एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ठीक है। और वो चीज़ें हमने मतलब जो बेसिक थ्योरी होती है वो सब नहीं पढ़ाया है कि इसको लाइन कहते हैं, इसको पतली लाइन कहते हैं, इसको मोटी लाइन कहते हैं, इस पेंसिल को इस यहाँ इस्तेमाल करते हैं, उस पेंसिल को वहाँ इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम में ये नियम लागू नहीं होता, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब ये होता है कि आपने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई, बस उसी पे निर्भर करता है कि आप पास होना है आपको या फेल होना है, कौन सी पेंसिल इस्तेमाल किए हो, उसका HB क्या है, मतलब बहुत से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारा थ्योरी है ड्राइंग में, तो बच्चे परेशान रहते हैं सर आपने वो नहीं पढ़ा है, उसकी ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने नहीं पढ़ा है, हमने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करवाई है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट है वो आज से नहीं 2019 से आपके चैनल पर अपलोड है, और लगातार 2019, 2020, 2021 जब तक सिलेबस नहीं बदलेगा ये वही वीडियोज आपको काम आती रहेंगी और यही आपको अच्छे नंबरों से पास कराती रहेंगी। बस आपको करना क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट आपको ओपन करना होगा और उसको पढ़ना होगा, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की बात होगी। और इसी तरह से हमने ITI सेकेंड ईयर के लिए भी एक गाइडलाइन के तौर पे भी बनाई है वीडियोज, ITI सेकेंड ईयर की भी वीडियो आपको मिलेंगी, ज़्यादा नहीं दो चार वीडियोज मिलेंगी ड्राइंग की, इसमें पूरा गाइड किया गया है कि पढ़ना कैसे है आपको, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट्स की, उनका कुछ खास सिलेबस अलग से होता नहीं है, आपके जो थ्योरी के डायग्राम्स होते हैं ट्रांसफार्मर मोटर ये सब वही सब आपके आते हैं, इसलिए इसका अलग से कोई नया सिलेबस होता नहीं है। और फिटर में जो होता है जो फर्स्ट ईयर में आप ड्राइंग बना रहे होते हो उसी का थोड़ा सा हार्ड लेवल प्लस फर्स्ट ईयर के सिलेबस को लेते हुए आ जाता है। तो ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी और कहाँ पर मिलेगी बता देते हैं आपको, सिंपल भैया आप YouTube खोल लीजिए, ठीक है, YouTube ओपन कर लीजिए अपने, यहाँ पर ग्लोबल ITI टाइप कर लीजिए, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर सच में सीरियस है पढ़ने के लिए तो, और नहीं सीरियस है तो इसका मतलब आप ITI नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब सबको सीरियस होना ज़रूरी है। जिसको ड्राइंग थोड़ी भी नहीं आती वो क्या करेगा, वो ये वाली क्लासेज जरूर देख ले, इंजीनियरिंग ड्राइंग इन 7 डेज प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये मिलेगा, 7 दिनों में इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे सीखना है। इस वीडियोज को देखकर बहुत से बच्चों ने अपनी ड्राइंग सुधारी और उनके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, विश्वास नहीं तो इन्हीं वीडियोज के नीचे जाके कमेंट्स पढ़ लीजिएगा बच्चों के, ठीक है। ये है आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखने के लिए बेसिक। उसके अलावा जब एग्ज़ाम की बात करेंगे तो आप इसी को आ जाइएगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर ड्राइंग की गाइडलाइंस है, फिटर सेकेंड ईयर ये खैर है तो MCQ है, ये फिटर सेकेंड ईयर की ड्राइंग है। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं, शुरुआती दौर में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया था तो इसलिए उसका जो डायग्राम्स होगा आपको नीचे मतलब प्लेलिस्ट नीचे की तरफ मिलेगी। ये देखिए ये है आपके काम की वीडियो, ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑल ट्रेड, ठीक है, और फर्स्ट ईयर, ठीक है, और इसमें कितनी वीडियोज हैं 37 वीडियोज। जिस दिन आप ये 37 वीडियोज को कर लोगे, ठीक है, देखना नहीं है, देखने का तो पिक्चर देख के निकल आओगे बाहर, उससे नहीं मतलब है, इनको कर लेने का मतलब है कि इन वीडियोस को देखकर आप खुद भी उनको प्रैक्टिस करोगे, यानी बनाओगे, कॉपी पेन उठा के बनाओगे, ठीक है। जिस दिन ये 37 वीडियोस को कर लोगे आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, आप जरूर पास होगे, 100% पास होगे, ठीक है। कौन सा वीडियो देखना है ये देखना है, और आप देखिए अपने दोस्तों को दिखाइए और जो भी लोग मिले सबको दिखाइए जो लोग ITI कर रहे हैं और किसी भी ट्रेड से हो, फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर उनके है तो सबका सेम रहेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में यही मैसेज था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी यहाँ से करिए और
13 दिसंबर से जो है एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं। हो सकता है दो चार दिन आगे पीछे हो या ऐसा कुछ होता है तो अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। प्लस कोर्सेज मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि कोर्सेज से एक्चुअल में होता क्या है कि कोई अगर आपको कहता है कि यार वहाँ पर ना मार्केट में जाना, वो जो है राम बाबू की दुकान है, वहाँ से पेंट खरीद लेना, अगर कोई आपको सजेशन देगा तो सबसे पहले पता है एक प्रजाति ऐसी होती है जो आँख बंद करके कहती है हाँ चलो यार राम बाबू के यहाँ से पेंट खरीद लेते हैं, ठीक है, एक प्रजाति ये वाली होती है। लेकिन एक दूसरी वाली होती है, उसके दिमाग में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि यार इसका क्या फायदा, इसका क्या फायदा, कि मतलब ये मुझे राम बाबू के दुकान पे भेज रहा है तो जरूर इसका कोई न कोई फायदा है। तो ये प्रजाति वाले अक्सर जो है दूसरे का फायदा देखने में अपना नुकसान कर लेते हैं। तो आप वो ना बनके पहला वाला बनिए कि अगर कोई दोस्त आपका बता रहा है, कोई सलाहकार आपको बता रहा है, तो इसका मतलब वो अनुभव पे बता रहा है और अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा है और मुझे लगता है कि उसकी बात सुन लेनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी बहुत कम लोगों को, जिनको लाइक लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बाकी दूसरों से भैया क्षमा याचना। थैंक यू।